अच्छा, मैंने आपको बताया था सुबह कि मेरे आज के मेहमान जो है वो ऐसे इंस्पिरेशनल से एक रोल मॉडल है, जो कि रोल मॉडल हमेशा ही इंस्पायर करता है, लेकिन ये वाकई में इसलिए रोल मॉडल है कि पाकिस्तान जो कि कहा जाता है कि तरक्की पजीर मुल्क है, जहां पर कि अभी आईटी इंडस्ट्री उस तरह से नहीं है, जहां पर कि आईटी के ट्रेंड अभी शायद उस तरह से नहीं है, और जहां पे सारी पायरेटेड सीडीज या इस तरह की चीजें या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, वहां पर एक ऐसे नौजवान जिनकी उम्रें अभी 22 से लेकर 25 साल तक के दरमियान है और अभी वो बीबी आईटी के स्टूडेंट हैं कराची प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपना एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो एंटीवायरस है, दुनिया का पहला ऐसा एंटीवायरस, जो कि पाकिस्तान का पहला एंटीवायरस, दुनिया का तो दुनिया में तो बहुत सारे हैं, पाकिस्तान का पहला एंटीवायरस जो कि इंस्टेंटली डिटेक्ट करता है वायरसेस को और फौरन उनको किल करने की और उनको खत्म करने की और आपके जो भी हार्डवेयर है, जो भी आपकी मशीन है, उसको उससे क्लियर करने की एबिलिटी और सलाहियत रखता है। उफ, इतने मुश्किल लफ्ज मैंने बड़ी मुश्किल से याद किए जितने इसमें सारा कुछ है, इससे कि आईटी के साथ मुझे कोई इतनी बहुत रुझान दिलचस्पी नहीं, लेकिन इन्हें देखकर मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सीखूं। मेरे साथ हैं हाफिज उस्मान और सैयद इमरान अली। अस्सलाम वालेकुम। कोई लफ्ज गलत तो नहीं बोल दिया? सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर तो नहीं कह दिया? नहीं, आई थिंक आपने कह दिया, यही बहुत बड़ी बात। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच। आप इतना मेरे से नालायक समझते हैं आईटी में? यूजुअली आई थिंक होती नहीं है, लड़कियां समटाइम्स ऐसा होता है कि शायद ही आईटी को चूज करते हैं। अच्छा, क्यों? थोड़ी सी मुश्किल फील्ड है, क्योंकि आपका क्या मतलब है, लड़कियां मुश्किल काम नहीं कर सकती? ऐसे नहीं है, मतलब करती हैं, लेकिन इस फील्ड में नहीं, इस फील्ड में, इस फील्ड में कम होते हैं। क्योंकि गर्ल्स, वेयर आर यू? यू आर नीडेड इन आईटी यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान के अंदर जो है आईटी इंडस्ट्री, गर्ल्स को मैंने कमी देखा है कि वो प्रोग्रामिंग आती हैं, प्रोग्रामिंग। वजह आपके ख्याल में क्या है? एक तो मुश्किल है, और क्या है? इसकी वजह ये कि थोड़ा सा जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर कि प्रोग्रामिंग लड़कों की करनी है, उन्होंने जो जॉब करनी है वो प्रोग्रामिंग की करनी है। लड़कियों के लिए जो माहौल है वो ये कि वो डॉक्टर वगैरह बन जाएं या फिर किसी और फील्ड में चली जाएं। तो ये कि इसी वजह से, इसी माहौल की वजह से वो ज्यादातर जो है आईटी में नहीं आते। हाय, काश ये टॉपिक और हो जाएगा, फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं। इन शॉर्ट यही कि लड़कियों आपको आना चाहिए और हम चलेंगे, मुझे भी सीखना चाहिए, मैं भी अभी इसके बाद ना ज्यादा ट्रेंड कर इस साल के टारगेट में लिख देती हूँ, आईटी में मैंने ग्रूम करना है अपने आप को। अच्छा, क्या उम्रें हैं माशाल्लाह से हाफिज उस्मान आपकी? कितनी है? 21। और सैयद इमरान? 25। और आप दोनों दोस्त भी हैं? जी, हम लोग दोस्त भी हैं प्लस नेबर्स भी हैं। नेबर्स भी हैं। और ये जो आपका एक इन्वेंशन है, ये क्या चीज है, इसका नाम क्या है, पहले तो बताइए। इसका नाम है इंस्टेंट वायरस किलर। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है? जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। और इसमें एक खास बात यह है कि ये एंटीवायरस प्लस रिकवरी फीचर है इसके अंदर। अच्छा जी, यानी कि दुनिया के तमाम एंटीवायरसेस सिर्फ वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं या उन्हें क्वारंटाइन करते हैं या उन्हें डिलीट करते हैं, ठीक है, लेकिन हमने ये सब चीजें तो देखी हैं कि एक एंटीवायरस में डेवलप मौजूद होती हैं, यानी कि आप ब्रांडेड कंपनीज कहीं से भी आप ले लें, उनमें मौजूद हैं ये चीजें। लेकिन जहां बात आती है एक लोकली एक वायरस डेवलप होता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो ब्रांडेड कंपनीज के पास उनकी डेफिनेशन बनते बनते एक टाइम लग जाता है। हाँ। जिसकी वजह से वो वायरस जो होता है वो लोकली तमाम, यानी कि कंट्री के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है और करता है। और फिर इसका जो इफेक्ट होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि अगर किसी भी एक सिस्टम में ये ट्रेवल होता है तो दूसरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आता है थ्रू यूएसबी, थ्रू इंटरनेट या नेटवर्क शेयरिंग। और इसके बाद लॉस ये होता है कि आपका डेटा भी जाता है, प्लस ये है कि 2-3 घंटे जो आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं और आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं साथ ही साथ, वो तमाम के तमाम चीजें एक साथ डिलीट भी हो जाती हैं और उसके बाद इंस्टॉल करने का उनका 3-4 घंटे का टाइम होता है। बिल्कुल सही, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में कमाल बात यह है कि इधर आपने डाला और उधर से उसने ना सिर्फ वायरस को डिटेक्ट किया बल्कि वो खुद ही उनको खत्म भी कर देगा। आपने देखा होगा कि यूएसबी वगैरह से हमारे पाकिस्तान में वायरसेस बहुत ट्रांसफर होते हैं। हाँ। और अक्सर हमारा भी सिस्टम यहाँ पे एकदम कलेप्स है, हम यूएसबी पे बहुत ज्यादा चीजें जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमने एंटी स्कैन सिस्टम एक डेवलप किया है जो दुनिया के दूसरे तमाम एंटीवायरसेस में ऐसा नहीं है। हमने ये डेवलपमेंट करी है कि अगर आप यूएसबी इंसर्ट करते हैं सिर्फ कंप्यूटर के अंदर, ठीक, और हमारा आईवी के एंटी स्कैन सिस्टम जो है वो तमाम वायरसेस को डिटेक्ट करेगा और बगैर किसी स्कैनिंग के डिटेक्ट करेगा विद इन टेन सेकेंड जी, और उन तमाम वायरस पहले से ही पता होगा क्या कि वायरस अंदर कौन से बैठे हुए हैं। एक्चुअली मतलब हमने इतने नए नए वायरसेस आते हैं जी, सो हाउ कैन यू क्लेम कि ये हर एक के बारे में इफेक्टिव होगा? इफेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो एल्गो है वो एक डिफरेंट एल्गो है दुनिया की तमाम कंपनीज से। अच्छा, तो इस वजह से क्या है
वो डिफरेंस ये है कि हम उसको उसी वक्त डिटेक्ट करते हैं. आपने एक अक्सर वायरस का एक नाम सुना होगा जो कि वायरस आप उसको कह नहीं सकते, autorun.inf एक फाइल होती है जो कि ऑटो प्ले का काम देती है विंडोज के अंदर. ये विंडोज का एक बिल्ट इन फंक्शन था जिसको प्रोग्रामर्स ने एक वायरस के तौर पे उसका काम लिया है. वो उस फंक्शन की क्वालिटी ये है कि अगर आप ऑटो रन की फाइल के अंदर आप सिर्फ ये डिफाइन कर दें कि मुझे एक एग्जी को रन करना है बिहाइंड, तो वो autorun.inf आपकी हेल्प करेगी उस एग्जी को रन करने में. सही. तो इस तरह से आपका वायरस जो है वो रन हो जाता है. बिल्कुल सही. तो आपने उसके ऊपर इसको कंट्रोल उसके ऊपर कंट्रोल किया. ये इसका मेन वेपन होता है. इसके बगैर आप यूएसबी से वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर सकते किसी कंप्यूटर में. सही. सर टाइम कितना लगा है इसको बनाने में? तकरीबन 2 साल. 2 साल. आप तो उस वक्त टीनेजर होंगे जब आपने ये शुरू किया होगा. बस मुझे आई थिंक बस ये समझ लें कि अल्लाह ताला का एहसान है कि बस इसको हम डेवलप करने में कामयाब रहे. बेशक. टाइम पैकेजेस से आपका बिरहला पाला नहीं पड़ा. बिल्कुल. यानी कि ये कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि दूसरे काम भी देखने होते हैं ना, क्योंकि जो हमने इसे 2 साल के अर्से में डेवलप किया है कि आप वो घर के काम भी देखने हैं. आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन. घर के क्या क्या काम करते हो आप? घर में यही छोटे मोटे जो काम होते हैं. क्या काम होते हैं? मुझे तो नहीं लगता घर में लड़कों के आदमियों को कोई भी काम होता है साइज के. अम्मा पानी दे दीजिएगा. नहीं, अब चाय दे दीजिएगा. नहीं, अब ऐसा नहीं. खाना दे दीजिएगा. मैंने बाहर जाना, मेरे कपड़े भी इस्त्री कर दीजिएगा, जरा जूते भी ला दीजिएगा. बिजली का बिल जमा कराने भी जाना होता है और बहुत सारे काम होते हैं. सौदा भी लेकर आना होता है. और इवन तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अभी घर में एंटर होते हैं और फिर पीछे से आवाज आती है ये चीज रह गई है और वापस फिर दोबारा जाना होता है. अरे तो आप ये सारे काम करते हो? और इसीलिए हमने इसको डेवलप करने का जो हमने टाइम चूज किया था वो था नाइट का टाइम. तो रातों को जागते रहे आप? काफी हद तक हमने, क्योंकि मिड नाइट तक हम लोग इसके लिए काम करते थे. अम्मा अब्बा को कभी शक नहीं हुआ कि ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं सारी? अम्मा अब्बा को क्या, महल्ले वालों को भी शक हुआ कि भाई आप लोग जो है आवाजें आती रहती हैं, आप लोग बातें करते रहते हो. फिर हमको बताते थे कि भाई हम ये इस तरह की डेवलप कर रहे हैं, तो कहते थे कि अच्छा अब देखते हैं आपने क्या चीज डेवलप की है. नहीं, वो उन्होंने ये नहीं कहा, सारे यही कहते हैं हम बड़ा कुछ डेवलप कर रहे हैं, हमें पता है क्या डेवलप होता है. असल में होता ये था कि मतलब डिस्करेज करने के लिए लोग बड़े शेर होते हैं, क्योंकि ये आसान चीज नहीं है. क्योंकि आप किसी को बताएंगे ना कि आप एंटीवायरस डेवलप कर रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए वो हंसेगा आप पे कि आप दोनों मिलके क्योंकि वो ये कहते हैं कि मिलियन डॉलर्स एक कंपनीज खर्च करती हैं बाहर. और वो अपने एडवर्टाइजमेंट का बजट अलग होता है मिलियन डॉलर्स के अंदर, और इसके अलावा उनके मिलियन डॉलर्स बनाने में लग जाते हैं, वो अपने डेवलपर्स को देते हैं, तब जाके वो एक एंटीवायरस डेवलप करते हैं. और वायरस डेफिनेशन करने के लिए अलग अलग बंदे रखते हैं कि वो वायरस डेफिनेशन जमा करते हैं. तो आप लोगों को ये ख्याल कैसे आ गया जब ये सारे फैक्टर्स आपको पता थे, आपने कैसे सोच लिया कि एंटीवायरस हम डेवलप कर जाएंगे और वो भी ऐसा जिसमें रिकवरी फीचर भी साथ ही हो? इंसिडेंट ये हुआ था कि आईटीसी का काम तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, तकरीबन 2006 से. सही. शौक था काफी कंप्यूटर का, तो होता ये था कि अभी हम अभी और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट भी हमने शुरू कर दी थी 2006 से. सही. तो अब जब हमारा काम कर रहे हैं, करते करते कोई भी यूएसबी हमने लगाई या इंटरनेट के ऊपर कोई भी रिसर्च करी या कोई भी सर्च करके, तो वहां से हमारे सिस्टम पे वायरस आ गया. अब हम बैठे हुए हैं कि यार इसको किस तरीके से रिमूव किया जाए. अब वायरस तो 10 सेकंड के अंदर आ गया और उसने जो हमारा काम खराब कर दिया. अब विंडो फिर दोबारा इंस्टॉल करें, उसके दो दिन लग गए आपको सारे 1 घंटे की विंडो इंस्टॉल पूरी कंप्लीट करें और फिर दोबारा से लाइनअप करते करते भी जो है तकरीबन 1 से 2 दिन गुजर जाते थे. तो हमने सोचा यार ये प्रॉब्लम अगर हमारे साथ है तो ये दुनिया के साथ होगी. तो अभी ये काम आप खुद करते हो? मेरे जैसे बंदे को, जैसे आईटी के बंदे को बुलाना पड़ता है, उसको 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि 2 दिन वो काम करते हैं और 2 दिन में उनके आने जाने का टाइम जो है वो बीच में लग जाता है. बिल्कुल. फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि कोई ऐसा एंटीवायरस डेवलप होता कि जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन होता. पाकिस्तान में काम कौन सा हुआ है? लोग करते हैं शायद उनको स्पेस नहीं मिल पाता. उनको कौन सा स्पेस चाहिए होता है? जैसे आपने ये इतना इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों की तरफ से. पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा है लोग जिन्होंने काम किया है, लेकिन इस तरह का काम जो ये अपनी नौयत का पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में खासा मुनफरद काम है. अगर रिकवरी फीचर और किसी में नहीं है, रिकवरी फीचर नहीं है, इसका मतलब है दुनिया का एक यूनिक चीज है और दुनिया का फास्टेस्ट रिकवरी फीचर है जो 10 सेकंड के अंदर 100 GB का भी डेटा रिकवर कर सकते. तो क्या बात है आपकी. तो आप लोगों को आपके ख्याल में वो सारा कुछ मिला है जो मिलना चाहिए था? इसका रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से, एप्रिसिएशन लोगों की तरफ से, पजीराई वगैरह वगैरह? इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज
और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इस वक्त अभी भी कंप्यूटर्स की लैब्स बनी हुई हैं, वहाँ पे कंप्यूटर मौजूद हैं है। वो अभी भी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वहाँ पर अभी भी बाहर के एंटीवायरस यूज हो रहे हैं। अब जब पाकिस्तान का अपना हमारे एक वो है ना मेड इन यूएसए का लेबल लगा हो तो हमें लगता है ये चीज अच्छी होगी। जी हाँ बिल्कुल, मेड इन यूके हो या कहीं और, हम समझते हैं यही बस रिलायबल होगा। जी हाँ, मेड इन पाकिस्तान तो हमें लगता है पाकिस्तान यही आप सेल कर दे, अभी आपसे कोई कंपनी खरीद लेगी कि इतने मिलियन डॉलर्स में आप हमें दे दे, हम इस पे इतने ट्रिलियन डॉलर्स कमा लेंगे, आप दे दे उनको और फिर उसके बाद देखिए पाकिस्तान का जो जी बिल्कुल ज़र मुबादला है जो इसके अंदर जा रहा है कि इसको परचेजिंग के अंदर, क्योंकि ये तो ISO 9000 से जो अप्रूव होती है यूनिवर्सिटी वगैरह वो तो खरीदती हैं। आईटी बोर्ड और आईटी इंडस्ट्री जो थी उन्होंने आपको नहीं इस पे वो किया कि इसको हम कुछ पाकिस्तान में इस तरह आई थिंक प्रमोशन की कमी होने की वजह से शायद ऐसा होता है कि बात शायद लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती या गवर्नमेंट लेवल तक बात नहीं जाती, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि शायद नो इट्स बैड, इट्स ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट नो कि क्या चीजें हैं और कैसे हैं। ये तो नहीं है अब उनके मुंह में कुछ चम्मच में डालेगा कि ये लें जी ये आप अब इसको कर दें कुछ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा ड्यूटी एंड जॉब टू इनकरेज द प्रॉपर पीपल जो कि उसमें है। दूसरा मैं ये भी इनकरेज नहीं हुए फिर आपके हमें नहीं किसी ने शाबाश नहीं दी है कुछ नहीं अभी हमें बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तानी होने के नाते हमें पाकिस्तान से मोहब्बत भी है बहुत क्यों, और इसी के लिए काम करना है, हमें ऑफर्स भी आती हैं बाहर से लेकिन हम नहीं जाते। सही, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है और हमें उम्मीद अच्छा, है ब्रेन ड्रेन आपको बिल्कुल, ऑफर ब्रेन ड्रेन हमें बिल्कुल नहीं करना है और आप इधर आके हमारे लिए काम रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल हमने किया हुआ है। बिल्कुल ऑफर्स आई है दुबई की कंपनी से आई है और सऊदी अरब से आई है, थाउजेंड थाउजेंड के कंप्यूटर्स हैं, वो कहते हैं आइए आप हमारी कंट्री में आइए और हमारी कंपनी को ज्वाइन करके इनको प्रोटेक्ट करें, लेकिन हमने कहा कि नहीं हम पाकिस्तान में रह के काम करेंगे। और आई मस्ट अप्रिशिएट इट, पता है किसी को मौका ना मिले तो वो और बात है, ये बड़ी मुश्किल काम है कि आप दुनिया को ठुकराएं इस तरह से कि वो कोई आपको आके कहे, नेशनलिटी भी देते हैं पैसे भी इतने देते हैं आओ हमारे लिए काम करो और आदमी कहे नहीं मैंने मुझे नहीं करना चाहिए, इसे कि जहां से मैं हूं पहले उनका तो कुछ कर लो, क्योंकि इंटरनेट की मार्केट हमारी स्ट्रांग है तो लोग वहां से हमें सर्च आउट कर लेते हैं, बेशक हमारे प्रोग्राम्स नहीं आते कम है लेकिन वहां से लोग सर्च कर लेते हैं। बिल्कुल, और इसके मैं आपका और पूरी ATB की टीम का भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट, हम तो खुद ढूंढते हैं, हमें तो लोग चाहिए ऐसे जो कि पाकिस्तान में, देखिए ना ऑस्ट्रेलिया के 22 साल का नौजवान ने आईफोन से आईफोन में ट्रांसफर होने वाला वायरस बनाया था, तो यहाँ पे धुमे थी कि जी पता नहीं क्या हो गया है, एंड यू गाइस यू आर 21 ही इज जस्ट 25, आप लोगों ने एंटीवायरस बनाया है रिकवरी सिस्टम के पास, दुनिया का पहला एंटीवायरस जिसमें रिकवरी सिस्टम है और वो भी आप कह रहे हैं रिकॉर्ड टाइम है उसका जो, और उसको कोई अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो ये इत्तफाकन नहीं है हादसा नहीं, इसका मतलब है हम अपनी चीजों को अप्रिशिएट करना ही नहीं चाहते। चलो छोड़ो ये एक और जोन हो गया है बातों का। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप ये कर रहे थे सारा कुछ आपको पता था कि ये हो जाएगा और हम ये कर पाएंगे ये कर लेंगे? आई थिंक मुझे तो खास तौर से बहुत जुनून है किसी भी काम का, मैं अगर एक दफा डिसाइड कर लूँ कि ये काम करना है तो मैं टिल मतलब पूरा अपना मतलब पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरीके से इस काम को कम्प्लीट करूँ, और वो काम अगर कम्प्लीट एक नाइट को नहीं हो पाया तो मुझे उसको रात नींद नहीं आती। अच्छा, और अक्सर ऐसा होता था कि हमारे मेरे वाला मर्ज है हमारे साथ अक्सर ऐसा होता था कि हम जब एक छोटा सा यानी कि रिसर्च वर्क स्टार्ट करते थे और होता छोटा सा था लेकिन वो ऐसा लंबा हो जाता था कि 3 से 4 दिन भी आपके उस रिसर्च में गुजर जाते थे, तो वो समझ लें कि 3 से 4 दिन ऐसे गुजरते थे कि बस दिल नहीं चाहता था किसी से हम डिस्कस करें किसी चीज के बारे में। आपने दिल और किसी चीज के साथ मेरा लगाया ही नहीं है सिवाय कंप्यूटर के। इवन मैंने आपका पहला लव वाज योर कंप्यूटर डेस्कटॉप, मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैंने इवन इन 2 सालों में सिर्फ हेलो हाय तक तो मतलब किसी से हैंडशेक किया है, इसके अलावा मतलब मैंने किसी से फालतू बात नहीं करी है। और आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई आपस में, मतलब क्या चीज है जो कि दोस्ती में दोनों को काम करने का शौक है? बहुत ज्यादा नेबर्स से सबसे बड़ी बात ये काम करने का शौक था, प्लेटफॉर्म नेबर्स तो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन तो नेबर्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं ये क्या कर रहा है यूं कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा लेकिन है, जिनकी इंटेंशन पड़ोसी का वो जो हक है अल्लाह ताला है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी तो नहीं इतनी तलकीन करते गए क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो लोग साथ रहते हैं ये सबसे ज्यादा एक दूसरे की जड़ें काटेंगे। लेकिन इन्वेंटर्स की सोच ऐसी नहीं होती है, जब कभी कोई चीज इन्वेंट करनी हो ना तो फिर इंसान सब चीजें भूल के साथ मिलके टीम के साथ काम। अभी तक वो क्लैश डेवलप हुआ है जैसे IT के जो गुरु हैं विंडोज इंस्टॉल उनका भी आपस में हो गया था ना, शुरू में 2 लोग इकट्ठे थे फिर फड्डा पड़ गया पैसों पे, फिर एक ने अपनी कंपनी बना ली दूसरे ने अपनी बना ली। आई थिंक मैं ये बात सबको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा एज अ मैसेज भी कि हम लोगों ने पैसों को कभी बीच में काउंट नहीं किया अपने दरमियान, पैसों की बात को हमने लेकर कभी भी आपस में डिस्कस नहीं किया, ये बात हमारी दोनों फैमिलीज भी जानती हैं।
और मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि पैसा बहुत कुछ नहीं होता, पैसा जरूर मिलता है आपको, तो आपका फोकस होना चाहिए आपके अपने काम पर. हम काम के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं और बहुत डिस्कस करते हैं, और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि जो काम हमें नेक्स्ट डे करना होता है उसके लिए हम एक नाइट पहले उसको सिर्फ डिस्कस ही कर रहे होते हैं बैठकर, और हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है इसके अलावा कि नॉट इवन कि हम गेम खेलते हैं. बहुत से आपने यंगस्टर्स देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ते हैं उनका जो वापस आने का जो टाइम होता है उसके बाद आजकल बड़े हाईली ग्राफिक्स गेम होते हैं जिसमें तकरीबन 6 to 7,000 का एक 3D कार्ड लगता है जिसके अंदर वो गेम करने की उसकी आजकल तो आपने भी सुना होगा ना, वो जो नया ट्रेंड आने लगा है कि अब तो आपको कुछ जरूरत भी नहीं है, आपकी हैंड मूवमेंट के साथ गेम्स ऑपरेट हुआ करेंगे. वर्चुअल गेम्स कहलाते हैं, वर्चुअल गेम्स आर दे आर जस्ट अबाउट टू लॉन्च. इस साल वो उसको लेके आ रहे हैं मतलब मार्केट में, तो वो इवन खेलने का हम लोग को कभी मौका नहीं मिला. और बहुत से लोग हमारे जो थे स्टडी में कैसे हो, क्या आप अपनी क्लास में पोजिशन होल्डर, ऑलवेज फर्स्ट, इस तरह के? आई थिंक ये कह सकते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत अच्छे थे. एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत अच्छे स्टूडेंट थे. अच्छा जी, लेकिन आप इसका मतलब है प्रोग्रामिंग के अंदर हम बहुत माहिर हैं, प्रोग्रामिंग हम बहुत अच्छे नंबर लेते हैं. और इसके अलावा जैसे अगर जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें जो है बस नॉर्मल मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि लेकिन जुनून है प्रोग्रामिंग करने का. जैसे क्रिकेटर होता है वो सिर्फ क्रिकेट पे तवज्जो देता है तो उसकी स्टडीज इतनी डिस्टर्ब रहती हैं कि वो कभी भी जो है पोजीशन नहीं ले सकता. इसी तरीके से हम लोग जो है क्योंकि कंप्यूटर प्रैक्टिकल नाम है, करनी क्या है जिसमें आपको पता कख ना हो, पोजीशन आपकी आ जाए, नंबर आपके. अब पता है कितने नंबर आ रहे हैं आपको, पता है एफएससी में आपको पता ही होगा 1100 में से 1000 समथिंग. जब मैंने एफएससी किया था तो जिसके 700 या 800 कुछ नंबर होते थे वो बंदा ऐसे समझ रहता था उफ कैसे आ गए ये नंबर. आज मुझे नहीं समझ आती कि कैसे 1000 समथिंग आ रहे हैं. और उनको आप बिठा के कोई बात कर ले, अभी आप पूछ लें कि पाकिस्तान में जो हमारा जंक्शन कितने हैं, कुछ नहीं पता. वो कहते हैं ये तो टेक्स्ट में नहीं है, प्लीज टेक्स्ट में से कुछ पूछिए हमसे. आप लोगों के ये हालात तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि हमने आई थिंक समझना ज्यादा बेहतर समझा. ग्रेट. अच्छा, बहुत सारी बातें अभी मैंने आपसे इसका वो डेमो लेना है. डेमो कहेंगे इसे आप या प्रेजेंटेशन कहेंगे? आई थिंक ये पूरा एक कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन होगा जो मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ देना चाहूंगा. ग्रेट, मैं अभी इसको देखना चाहूंगी आपके साथ. लेकिन आमिर हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब. कॉल नहीं थ्रू हो पा रही, थोड़ा सा आप भी आईटी वालों काम कर लो, वहां से आईटी तो नहीं, इसको थोड़ा सा ऑन कर दें. और एक छोटा सा ब्रेक लेके हमारे यहाँ वापस. और हाफिज उस्मान आपने हमें या आप देंगे, इमरान उस्मान साहब आप देंगे प्रेजेंटेशन? उस्मान, चले हम आपको ये दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तान के इन काबिल नौजवानों का जो दुनिया का पहला ऐसा एंटीवायरस है जिसमें रिकवरी सिस्टम भी साथ ही है वो कैसे काम करता है और कैसे ऑपरेट करता है. लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. खुश आमदीद. आज मेरे मेहमान हैं पाकिस्तान के दो ऐसे जहीन नौजवान जिनकी उम्र 21 और 25 साल बीबीआईटी के स्टूडेंट्स, जिन्होंने बनाया है पाकिस्तान का पहला एंटीवायरस और एक ऐसा दुनिया का एंटीवायरस, पहला शायद जिसमें रिकवरी सिस्टम भी साथ है. मैं आपको इसका डेमो भी दिखाने जा रही हूँ, है ना. प्रेजेंटेशन इसकी हम देखेंगे कि कैसे काम करता है. अच्छा जी, कैसे इसका ऑपरेशन होगा, मैं उधर आ जाती हूँ, आप स्टार्ट करो कैसे होगा. हाँ, कैसे? मेरे पास एक वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी है. ठीक है. और उस वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी आपने रेहान से तो नहीं ली ना? नहीं, मैंने रेहान से नहीं लिया. एक्चुअली मैं ये इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं डेमोंस्ट्रेट कर सकूँ. ठीक है. उसके पास जितनी यूएसबी होती है ना हमेशा वायरस इन्फेक्टेड होती है सारी. मैंने एक वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी इंसर्ट करी अपने कंप्यूटर में, और जैसे ही इस मैंने वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी को इंसर्ट किया, मैंने आपको कुछ थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज इन्फॉर्म करी थी कि हमारा जो आईवी कैंटी स्कैन सिस्टम है बगैर किसी स्कैनिंग के वो वायरसेस को डिटेक्ट करेगा. कैसे कर लेता है वैसे वायरस? तो इसीलिए रन होता है ना, वो नजर नहीं आता. उसी चीज को तो आपने डिटेक्ट करना होता है. यही आपकी एबिलिटी होती है कि आप उन चीज को डिटेक्ट करें जो चीज विजिबल ना हो. सही. तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि ऑटो रन एक फाइल होती है जो कि वायरसेस को हिडनली रन करवाती है. तो इसमें एक ऑटो रन की एक फाइल मौजूद है और दो एक्जी वायरसेस हैं जो इसमें मौजूद हैं. ठीक है. अब इसको इसने बगैर किसी स्कैनिंग के डिटेक्ट किया है, जस्ट यूएसबी को मैंने सिर्फ इंसर्ट किया है. और एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा कि अब मैं इस यूएसबी को ओपन कर रहा हूँ और आप ये देखिएगा ये तीनों वायरसेस यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन पर डेड हो गए. अच्छा, इन पे क्रॉस बना हुआ गया, इनएक्टिव हो गए. जी ठीक है. इसके अलावा अक्सर आपने ये देखा होगा कि बाकी तो इसमें एक सिस्टम और भी है कि जो दुनिया के तमाम एंटीवायरसेस में इसको आप राइट क्लिक करके
स्कैन कर सकते हैं. और इसके अलावा हमने जो रिकवरी फीचर का इसके अंदर जो एक सिस्टम डेवलप किया है वो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि मेरी डी ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा एक डेटा मौजूद है. ऑलमोस्ट 18.5 जीबी का मेरे पास इसमें डेटा है. ठीक है, ठीक है. और इस डेटा को मैं राइट क्लिक करके यही फॉर्मेट कर दूंगा. यानी मैं इस पार्टीशन को फॉर्मेट कर रहा हूँ और ये डेटा मेरा रिसाइकल बिन में भी इवन नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप इसको कम्प्लीटली इरेज कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका मतलब उसमें बहुत सारा अकाउंट्स कोई है, कुछ भी है आपकी उसमें प्रोग्रामिंग की चीजें उसमें मौजूद हैं, तो वो तमाम की तमाम चीजें आपने लॉस कर दी विद इन सेकेंड्स. सही. और ऐसा इंसिडेंटली भी होता है और कुछ लोग उसको जानबूझकर भी करते हैं. फिर तो देन वो डेटा रिकवरी मास्टर्स के पास आपको जाना पड़ता है, उनसे कंसल्ट करना पड़ता है. हाँ, और एक मुसीबत बन जाती है क्योंकि बाज़ुकात आपका वो डेटा बहुत आपके लिए क्रूशियल होता है. अब आप ये देख लें कि ये मैसेज आ चुका है, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है. और अब मैं आपको वही ड्राइव ओपन करके दिखा रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं कि ड्राइव टोटली ब्लैंक है. ठीक है, ठीक है. मतलब तमाम डेटा रिमूव हो गया है तमाम फाइलों के साथ, बिल्कुल कम्प्लीटली रिमूव है. अब इनसे रिकवर करेगा? जी, ये रिकवर करेगा 18.5 जीबी के डेटा को विद इन 10 सेकंड्स. क्या बात है यार, ये तो आपने एंटीवायरस बनाया या कोई जीनियस बनाया? अब मेरे पास एक और वायरस है जो कि ये वायरस करता हूँ राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर रहा हूँ. तो आप देखिए कोई एप्लीकेशन कोई चीज ऑन नहीं हुई है. मैं इसको डबल क्लिक करके भी ऑन करता हूँ, कोई चीज ऑन नहीं हुई. इट्स मीन कि ये बैकग्राउंड के अंदर रन हो रहा है. सही. बैकग्राउंड मतलब ये होता है कि वो आपको दिख नहीं रहा पर वो अपना काम कर रहा है. ठीक है. वायरस ने किया ये है कि विंडोज की जो सिस्टम फाइल्स होती हैं उनको करप्ट किया है. ठीक है. ताकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं मोस्ट करप्ट, जितनी भी करप्शन हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक वायरस कितनी करप्शन कर सकता है, मैं वो करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, अपनी सी ड्राइव को ओपन करूंगा. एक तरफ मैंने अपनी डी ड्राइव को फॉर्मेट किया है. सही. दुनिया के तमाम रिकवरी सॉफ्टवेयर सी ड्राइव को तो प्रोटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन जो अदर पार्टीशन होते हैं वो रह जाते हैं अनप्रोटेक्टेड. यानी कि हमारा तो जो स्लोगन है वो है लाइफ टाइम विंडोज एंड डेटा प्रोटेक्शन. ठीक है. अब मैंने अपनी सी ड्राइव ओपन किया है. विंडोज के अंदर दो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, NTLDR एंड NTDetect.com. ठीक है. और इसको एंटी लोडर भी कहा जाता है. इट्स मीन के यानी कि ये दो फाइल्स आपकी रन टाइम पर यूज हो रही होती हैं. और अगर इन दो फाइल्स को आप डिलीट कर दें रन टाइम से, तो आपकी विंडोज नेक्स्ट रीस्टार्ट के ऊपर नहीं वर्क कर सकती, बूट नहीं हो सकती. अब इन दो फाइल्स को डिलीट कर रहा हूँ और ये दोनों फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं. अब मैं इनको रिसाइकल बिन से भी एम्प्टी कर रहा हूँ. ठीक है. यानी मैंने इनको रिसाइकल बिन से भी खाली कर दिया ताकि कोई ये ना समझे कि मैं इन फाइल्स को रिसाइकल बिन रखा था और वहां से वो वापस आ गई हैं. और इसी तरह मैं करप्शन को और मजीद आगे बढ़ाऊंगा. रन होता है हमारा थर्ड ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू में. सही. वहां जाके कमांड होती है रजिस्ट्री एडिटर की. वो कमांड मैं यहाँ राइट करूंगा. उसके बाद आपके पास ये मैंने कहा था रजिस्ट्री एडिटर होता है, रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो चुका है. इस रजिस्ट्री एडिटर के अंदर थर्ड एक ऑप्शन है HEY लोकल मशीन. इसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन होती है. आप इस ट्री को डिलीट कर दें अगर एक दफा, तो इसके बाद आपकी विंडोज के अंदर जितने भी तमाम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका लिंक्स बिल्कुल ब्रोकन हो जाता है. ठीक है. उसके बाद कोई भी चीज, कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर सकता, आपका पूरा कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम. बिल्कुल सही. इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ. मैसेज आएगा कि ये डिलीट नहीं हो सकता पर वो डिलीट कर देता है. और इसके बाद आप ये देखिएगा, ये देखें मैसेज आ गया कैन नॉट डिलीट सॉफ्टवेयर एरर वाइल डिलीटिंग की, पर ये डिलीट हो चुका है. अब मैं इसे ओके कर रहा हूँ और मैं रजिस्ट्री को क्लोज करता हूँ. और अब मैं माय कंप्यूटर को ओपन करता हूँ. तो आप ये देखें माय कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा. और इसी तरह मैं किसी भी और चीज को ऑन करता हूँ तो वो चीज भी ऑन नहीं हो रही. अब इसी तरह से मैं स्टार्ट मेन्यू में जा रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि तमाम जो मेरे सॉफ्टवेयर के आइकन्स थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल ठीक थे, वर्किंग कंडीशन में थे, अब वो इस वक्त डेड हो चुके हैं. वो इस वक्त वर्क नहीं कर रहे. अब मैं कंप्यूटर को चाहता हूँ कि रीस्टार्ट कर दूं, ताकि हो सकता है मोस्ट ऑफ लोग समझते हैं कि जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देंगे तो शायद एरर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और इसके बाद कोई मसला नहीं होगा, हो सकता है कि एरर्स रिमूव हो जाएं. पर ऐसा होता नहीं है. मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ये रीस्टार्ट भी नहीं होगा. इसके लिए मुझे इम्प्रॉपर शटडाउन करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को. ठीक है. तो मैं अपने कंप्यूटर को इम्प्रॉपरली शटडाउन कर रहा हूँ. आपका रिकवरी सिस्टम लेकिन इसमें फौरी तौर पर इन तमाम चीजों को रिकवर कर देगा. जी, पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि जो मैंने जो चीज खराब करी है, यानी कि पहले तो मैंने आपके सामने अपनी एक अदर पार्टीशन को फॉर्मेट किया है. और यानी कि फॉर्मेट करने का मतलब ये होता है कि आपने सारा डेटा लॉस करने वाले हैं. ठीक है. और अब आप ये देखें कि हमारा सबसे पहले लोगो आया है इन बिटवीन बायोज एंड विंडोज. और आप ये देख रही हैं कि इस वक्त ये आपसे एक पासवर्ड मांग रहा है. और इस पासवर्ड के मांगने का मतलब ये है, आपने अक्सर सुना होगा कि आपने विंडोज में पासवर्ड लगाया और आप समझ रहे हैं कि आपका कंप्यूटर कोई खोल नहीं पा रहा. पर ऐसा नहीं है. विंडोज की सिक्योरिटी जो है बहुत ही माइनर है. विंडोज के अंदर आप कहीं भी पासवर्ड लगाएं, चाहे वो पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का हो, चाहे वो पासवर्ड किसी भी यूजर अकाउंट का हो, चाहे वो पासवर्ड किसी भी गेस्ट का हो, उस पासवर्ड को ब्रेक करने में हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं.
है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट पे भी मौजूद है कि आप उनको डाउनलोड करें और जो है पासवर्ड ब्रेक कर लें। तो आपका कंप्यूटर आप समझ रही थी आपका कंप्यूटर प्रोटेक्टेड है, आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ है और उसको कोई खोल नहीं सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट के ऊपर फ्रीली इंतहाई यानी कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और उसके ऊपर बहुत सी चीजें अवेलेबल है। अब आपके कितना टाइम कह रहे हो रिकवरी का लगेगा? अभी तो मैं आपको वो सारे प्रोसीजर दिखा रहा था कि अब मैंने ये दिखाया कि यहाँ पर ये चीज ब्लॉक हो गई है, मेरा सिस्टम आगे नहीं जा रहा। तो वो आगे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे अपने एंटीवायरस के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया है कि अगर आप हमारे एंटीवायरस के अंदर अपना पासवर्ड इंसर्ट कर दें तो कोई बंदा आपकी विंडोज तक पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा, तो विंडोज की सिक्योरिटी बाद में टूटेगी जब आप पहले हमारे एंटीवायरस को ब्रेक करेंगे। ग्रेट, तो इसमें एक डबल सिक्योरिटी का सिस्टम भी, डबल सिक्योरिटी का सिस्टम भी इसके अंदर। ग्रेट, अब मैं अपना पासवर्ड मैंने एंटर किया है। अब हमारे एंटीवायरस ने आपको सबसे पहले बताया कि आपका कंप्यूटर इम्प्रॉपरली शट डाउन हुआ है, ठीक है, और इसकी एक स्कैंडिक चल रही है। तो पायरेसी में अब तो फिर बहुत आराम से दोबारा से कोई उसी कोड को यूज करके वो कर सकता है? नहीं, ये दुनिया के तमाम एंटीवायरसेस पर पीसी होते हैं और हमारे एंटीवायरस की स्पेशलिटी ये है कि अगर आपने इसको रजिस्टर्ड करने के बाद किसी और कंप्यूटर में ले जाया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो ये वर्क करेगा ही नहीं, टोटली डेड जाएगा। कैसे, क्यों? क्योंकि हमने उसमें डिफाइन ही ये किया है कि वो पहले हार्डवेयर को गेट करता है, उसके वैल्यूज को गेट करता है, देन वो रजिस्टर्ड होता है। तो अगर हार्डवेयर सेम एज इट इज बिल्कुल उसी नंबर का होगा तो चलेगा, जो कि जस्ट लाइक अ डीएनए। बिल्कुल सही, तो वो मैच नहीं कर सकता। आप इसका वो प्रोसेस कीजिए, हम आपके साथ साथ हैं और आमिर को, आमिर साहब को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एनटीएलडीआर इज मिसिंग, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। जी फरज, इस ये जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान ये अच्छे काम कर रहे हैं, यानी इन लोगों ने जी इन लोगों ने पाकिस्तान का पहला एंटीवायरस बनाया है, एक ऐसा एंटीवायरस जिसमें रिकवरी सिस्टम भी है और ये दुनिया के किसी और एंटीवायरस में नहीं है। जी, और ये मैं ये भी यानी कहना चाहूंगा कि यानी ऐसे आइंदा भी मुस्तकबिल में भी ये ऐसे काम करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का नाम होगा। बिल्कुल, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे ये नौजवान काम कर रहे हैं ये। बिल्कुल, तो आप इनके लिए दुआ कीजिएगा। सऊदी अरब से आप कॉल कर रहे हैं, वो कहते हैं आपका फासला कम है दुआओं के जो मरकज है वहाँ से, तो आप दुआ कीजिएगा इनके लिए। इंशाल्लाह, मैं तो इंशाल्लाह जा रहा हूँ, ये उम्रे पे भी जा रहा हूँ। चले, आप हमारी पूरी टीम के लिए भी दुआ, हमारे सारे देखने वालों के लिए दुआ कीजिएगा, सबके लिए जनाब। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मैंने विंडोज में करप्शन करी थी उसकी वजह से ही एनटीएलडीआर मिसिंग वहां पे स्टिल मौजूद है और विंडोज पूरी की पूरी टोटली करप्ट है, ये आप देख चुके हैं इसका मैसेज। अब मैं इसको रिस्टोर करूंगा विद इन 10 सेकंड्स। ये हो जाएगा जी, बिल्कुल ये भी रिकवर होगा, प्लस मैंने जो जितनी डैमेजेस किए हैं, जितनी रजिस्ट्री खराब करी है, हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट किया है, वो भी रिकवर होगा विद इन 10 सेकंड्स। सही, तो आपको पायरेसी का डर नहीं है? पायरेसी का इंशाल्लाह कोई डर नहीं है। और रेट क्या रखा है इसका, कितने के मतलब? कोशिश ये करिए कि पायरेट ना हो सके, दैट्स व्हाई हमने इसके रेट जो पाकिस्तान में जी 2000 पर पीसी हमने पाकिस्तान में इसके रेट रखे। सही, वेरी नॉमिनल, क्योंकि जितने भी दुनिया के एंटीवायरस है वो कम से कम भी आपको 3000 से लेकर अबव जितना भी होता है वो हाँ। मिलते हैं। तो क्यों पाकिस्तान में फिर इसको नहीं अडॉप्ट किया, तो सस्ता भी है और इतना महंगे सॉफ्टवेयर डाल के भी। और सबसे बड़ा मसला होता है कि उनका रिन्यूअल चार्जेस भी देना पड़ता है 1 ईयर के बाद। इसमें हम तो ये दे रहे हैं कि हम लाइफ टाइम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जब तक आपका कंप्यूटर खराब नहीं होता आपकी विंडोज कहीं नहीं जाएंगी। एक मरतबा विंडोज सॉल्व करनी है और एक मरतबा एंटीवायरस सॉल्व करना है, इसके बाद फिर आप इसको चलाते रहे और कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। तो आप ये देखिए कितना इकोनॉमिकल चीज बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। असल में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम खुद स्टूडेंट थे और हम चाहते हैं कि दुनिया के जो हमारे पाकिस्तान के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको खरीद सकें, वो ये ना समझें कि शायद ये हमारी पॉकेट से बाहर है। तो दैट्स व्हाई हमने इसका सोचा कि इसका अमाउंट इतना ही होना चाहिए कि इसको ये सब सारे लोग खरीद सकें। इसने कर लिया काम अपना? जी, इसने बिल्कुल अपना सारा काम कर लिया और आपने ये देखा कि तमाम चीजें वापस आ चुकी हैं। अब मैं माई कंप्यूटर को ओपन करके दिखाता हूँ, जो थोड़ी देर पहले तक माई कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा था, अब देख रहे हैं आपके माई कंप्यूटर ओपन हो चुका है हो गया। और विद इन 10 सेकंड का वो प्रोसेस था। अब मैं अपनी डी ड्राइव को ओपन करके दिखा रहा हूँ, यही वो डेटा था जो थोड़ी देर पहले फॉर्मेट किया था और विद इन 10 सेकंड मैंने उसको गेट बैक किया है। तो ये अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विंडोज में 18.5 GB का डेटा यहाँ से उठा के कॉपी एंड पेस्ट करें तो आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। सही, कम से कम। तो हमने 10 सेकंड के अंदर उसको गेट बैक किया है और रजिस्ट्री में जो करप्शन करी थी वो भी ठीक हो चुकी है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी एक्सेल वगैरह की फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। अच्छा, आपके और दूसरे एंटीवायरस जो काम कर रहे हैं उनमें डिफरेंस बेसिक क्या है कि रिकवरी सिस्टम इसमें साथ है? सबसे बड़ा डिफरेंट जो मैं बताऊँ आपको ये है कि ये विंडोज चलने से पहले चलता है। अच्छा, आज तक जितने दुनिया में एंटीवायरस बने हैं वो विंडोज की लेयर के ऊपर काम करते हैं। सही,
और जब विंडो स्टार्ट होती है इसके बाद फिर वो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर जो सबसे पहला प्रोग्राम रन होता है वो विंडोज होते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो विंडोज चलने से पहले चलेगा, विंडोज की करप्शन को ठीक करेगा, आपकी फाइलों को बिल्कुल वायरस रिमूव करेगा और आपको बिल्कुल प्रॉपर विंडो दे देगा। बिल्कुल सही आप क्या कह रहे थे। मैं इसका एक लास्ट फीचर दिखाना चाह रहा था आपको कि इस लास्ट फीचर में यह है कि आपने एक्सेल वगैरह का अक्सर दिखा होगा कि अकाउंट्स वगैरह का काम एक्सेल पे किया जाता है और इसमें करप्शन बहुत ज्यादा होती है। एक इसका डेटा जो होता है एक डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाता है। अभी आप इसमें देख रहे हैं इसमें ग्राफ्स वगैरह ये सब चीजें विजिबल हैं और मैं अब क्या कर रहा हूँ इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक सेकंड वायरस है, वो क्या करता है कि उसको करप्ट कर देता है, ठीक है। और ये अक्सर बेशतर तमाम लोगों ने जो भी इसको देखेंगे यकीन समझ जाएंगे कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। मैंने इस वायरस को फिर देखें रन किया है, कोई एप्लीकेशन कोई और नहीं, क्योंकि मेरा जस्ट इंटेंशन ये थी कि मैं अपनी फाइल को करप्ट करूं और मैं इसको राइट क्लिक ओपन भी करके दिखा रहा हूं कि मैंने इसको इसी को रन किया है और अब मैं इसी फाइल को दोबारा से ओपन कर रहा हूं तो आप ये देखें सही पहले इसने मैसेज किया है कि फाइल का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो चुका है और आप ये देख लें कि ऐसी लैंग्वेज जिसको आप पढ़ नहीं सकते और आपके ग्राफ्स चेंज हो चुके हैं। अब मैं इन तमाम जो जितनी भी करप्शन करी है, हो सकता है आपके एक साल का डेटा हो सकता है आपका दो साल का हो और बैकअप नहीं है, बैकअप भी रिमूव हो जाते हैं लोगों के पास और बैकअप भी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होगा लेकिन जब जहां यहां एक चीज खराब होती है तो दूसरी तरफ भी बैकअप खराब हो जाता है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके रिस्टोर फ्रॉम स्नैपशॉट करूंगा, यहाँ वो यूजर नेम और पासवर्ड मुझे इंसर्ट करना है जो मैंने आपको सिक्योरिटी के लिए वहां लगा के दिया। सही, ठीक है। और ये हर एक का फर्क होगा। जी बिल्कुल। और ये इंडिविजुअल पीसी बेस्ड है, पीसी बेस्ड वो उस पीसी के अलावा किसी पे काम नहीं करेगा, किसी और ग्रेट सही। आप ज्यादा स्मार्ट है, आपने उसकी पायरेसी कंट्रोल भी पहले से ही उसमें रखा हुआ है। आपको पता था कि ये जो है पायरेट होने का और इसको चुरा लिए जाने का बहुत ज्यादा खतरा। आई थिंक मुझसे बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया था कि आप हमें सेंड कर दें, ठीक है हम इंस्टॉल कर लेंगे। हाँ। और इंस्टॉल कर लिया, देन कुछ लोगों ने मुझे बाद में ईमेल करी ये तो दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मैंने आपको बिफोर यानी कि सेलिंग मैंने आपको ये चीज इन्फॉर्म करी थी कि ये दूसरे किसी सिस्टम पे नहीं चलेगा क्योंकि पर पीसी होते हैं दुनिया के तमाम एंटीवायरसेस। तो अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि बाय नहीं करते हैं यहाँ पे लोग, तो उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो समझते हैं कि अगर एक सीडी खरीद ली गई है तो वो तमाम कंप्यूटर्स पर ही रन, पूरे मोहल्ले के कंप्यूटर्स पे वही रन होगी। अब ये देखिए मैसेज आ चुका है दी फाइल हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम दी स्नैपशॉट। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ और आप ये देखें कि यही फाइल मैंने यहाँ खड़े होकर इसको ठीक कर। ग्रेट, इतना कंप्यूटर सुबह सुबह आपने मुझे सिखा दिया, बता दिया, समझा दिया। अगर मैं आपसे इतना इंस्पायर ना होती ना तो इतनी देर कंप्यूटर के लेक्चर नहीं सुन सकती, लेकिन आई एम सो हैप्पी, आप यकीन करो आई एम सो हैप्पी एंड आई विश के पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के इदारे जहां पर आईटी के तमाम लोग काम कर रहे हैं, मुझे अंदाजा है क्योंकि हम लोग खुद डील कर रहे होते हैं पीसीस को, बाज़ औक़ात वायरस आ जाता है, हमारी पूरे के पूरे सिस्टम्स कोलैप्स हो जाते हैं, हमारे लिए प्रोग्राम्स रन करने में मुश्किल हो रही होती है जैसे कि हमारा सारे डाटा वहां पे पड़े होते हैं एंड वी ऑब्वियसली फेस बहुत सारा मसला। लेकिन ये है कि आप जैसे जहीन नौजवान हमारे पास बहुत सारे हों और हर नौजवान आपकी तरह हो जो इतना ही अपने अंदर एबिलिटीज रखता हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रुकूंगी मैं एक छोटा सा ब्रेक और आपकी मुलाकात हो रही है डॉक्टर सदाकत से इस ब्रेक के बाद।